हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड काउंट कैलोरीज विद हरप्रीत सिपिया। आज मैं एक अपनी ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड मदर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कफ एंड कोल्ड के लिए हमारे घर में हमेशा रहती है। इसमें तीन चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। एक इसमें ये ब्लैक पेपर है, जिसको पंजाबी में मगा कहते हैं या हिंदी में पिपली मग पिपली बोलते हैं। ये शहतूत की तरह होती है और ये कहते हैं कि ये वाई को ठीक करती है और खांसी ज़ुकाम में इसका बहुत रोल है। दूसरी चीज़ इसमें ये मलट्ठी है और तीसरा इसमें है ड्राई जिंजर अदरक। तो इन तीनों चीज़ों को हम पीस के पाउडर करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे बनाना है और कैसे इसका सेवन करना है। अगर खांसी हो, ज़ुकाम हो, आपको बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन आते हों, जैसे अपर या लोअर ट्रैक्ट के लंग्स भी इन्वॉल्व हों, सब चीज़ में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होती है और अब इसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है और इससे कहते हैं कि इससे हमारे जो अंदर एक्सपेक्टोरेशन पूरी साफ़ हो जाती है, जो बलगम बनी होती है वो निकल जाती है और जो बार बार सांस लेने में दिक्कत आती है उसमें भी ये हेल्पफुल है। बट वन थिंग इज़, एक बात है कि आप इसे किसी एलोपैथी मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट मत समझें। ये एक एड ऑन साथ में वेलनेस ट्रीटमेंट है जो आप साथ में ले सकते हैं। तो अब हम इसको पीसने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जो मगा है या जो लॉन्ग ब्लैक पेपर है, इसको पीस के इसका पाउडर बना लेते हैं। जितना आपको चाहिए आप उतना, इनकी इक्वल क्वांटिटी हमने मिक्स कर ली है। तो ये 200 ग्राम है, 200 ग्राम में इतना तो हमें नहीं चाहिए, हम इसमें से कुछ इस्तेमाल करेंगे। तो ये कोई 60-70 ग्राम के करीब है, इसको हम ग्राइंड करने जा रहे हैं। तो बहुत इजीली ही ग्राइंड हो जाती है। इसको वैसे भिगो के और या दूध में बॉईल करके या पानी में बॉईल करके साबुत पेपर को भी खाते हैं और इसमें से काली मिर्च जैसा ही फ्रेग्रेंस आ रही है। इसको हम निकाल लेते हैं। ये अदरक को हम पीसने जा रहे हैं। ड्राई अदरक है, बहुत पिसा हुआ ये ग्राइंड किया हुआ भी मिल जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। अगर इसमें कुछ, ये बिल्कुल पिस गया, अगर इसमें कुछ रह जाए तो इसको आप छान सकते हैं। मलट्ठी को ग्राइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको हम पहले पत्थर के जो कुंडी डंडा है उसमें थोड़ा सा इसको क्रश करेंगे और उसके बाद हम इसको मिक्सी में फाइंड करेंगे। बहुत मीठी खुशबू आ रही है और इसको आप बिल्कुल ऐसे मैनुअली भी पीस सकते हैं या इसको बाद में मिक्सी में फाइंड कर सकते हैं। और ये अब मलट्ठी को हम पीसने जा रहे हैं।
तो इसका फाइबर अलग करने के लिए हम इसको छान के इसका पाउडर निकाल लेंगे। तो इसका जो फाइबर है इसको हम बॉईल करके चाय वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हम फेंकेंगे नहीं। अगर तो आपने इसको बॉईल करके लेना है फिर तो आप ये फाइबर चल जाएगा। अगर आपने इसको शहद के साथ करना है खाना है तो फिर इसको फाइन पाउडर ही चलेगा। तो ये जो मोटा फाइबर है इसको हम सेपरेट करके रख रहे हैं। ये मैंने अपनी ग्रैंड मदर से सीखा था और ये ऐसे ही ट्रेडिशन आगे फैमिली में पास होती जाती है। आजकल मिक्सी से ग्राइंड कर लेते हैं, तब वो लोग हाथ से सब कुछ पीसते थे। पत्थर के जो है कुंडी डंडे में तो ये हमारा पाउडर तैयार हो गया। अब हम इसको आगे बनाते हैं। तो जितने चम्मच इसके होंगे सबके बराबर बराबर डालेंगे। ये हमने मलट्ठी कोई 4 स्पून डाली है। ये इसमें अदरक का पाउडर गया 4 चम्मच। और ये ब्लैक पेपर, लॉन्ग ब्लैक पेपर मगा। बाकी को हम वैसे इंडिविजुअली स्टोर कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये जो नॉर्मल मेडिसिन है उसका अल्टरनेटिव नहीं है बट ये सपोर्टिव थेरेपी है। इसके साथ अगर आपको दूसरी दवाई की ज़रूरत पड़े तो वो ज़रूर ले लीजिएगा। अब ये तो हमारा हो गया तैयार। खांसी जुकाम, इम्यूनिटी बूस्टर, इवन एस्थमा हो या कोई भी सांस की प्रॉब्लम हो, सब में ये बहुत फायदेमंद है। अब इसको फ्रेंड्स खाना कैसे है? इसका कोई आधा चम्मच, कोई 3-4 ग्राम या तो आप शहद, ये हमारे पास अच्छा शहद है, शहद के साथ मिक्स करके सुबह शाम ले सकते हो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 3 दफ़ा भी ले सकते हो। तो या इसका इतना जो है, अगर आपको शुगर वगैरह है और आप शहद नहीं ले सकते तो आप इसको बॉइलिंग वाटर में, जैसे हम ग्रीन टी में उसमें डाल के और पानी में बॉइलिंग वाटर में मिक्स करके उसको ले सकते हैं। और अगर पानी भी गर्म नहीं, किसी वजह से डॉक्टर्स ने रिस्ट्रिक्ट किया है या नहीं लेना, तो फिर इसको आप घी में मिक्स करके भी, आधा चम्मच घी में मिक्स करके भी ले सकते हैं। पर शायद हनी के साथ, शहद के साथ ट्राई कीजिए। हनी ज़रूर अच्छा हो, आपका शुद्ध हो। ये हमारे पास नेचुरल फार्म्स का है, सोहनगढ़ नेचुरल फार्म्स का हनी है, जिसके साथ हमारे घर में अक्सर ये आधा चम्मच इसके साथ, हनी के साथ मिक्स करके सुबह शाम लेने से खांसी और गले को बहुत आराम आ जाता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारी जो दादी नानी के नुस्खे हैं घर में चलते हैं और इनका बहुत फ़ायदा होता है। इसमें जो अदरक है ये एंटीबायोटिक भी है और ये
एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, जो पेपर है इसमें क्रोमियम रिच होता है तो इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इसका भी बहुत फायदा है। और जो मलट्ठी है, ये तो खांसी और गला में अगर भी कुछ खराश होती हो या उसको बहुत सूट करते हैं, मीठी मीठी होती है। और हनी अपने आप में ही एक बहुत अच्छी दवाई है। किसी भी तरह की खांसी हो, जुकाम हो, रेशा हो, या जिसको बोलते हैं वाई हो, उस सब का ये तोड़ है और इसको खाने से फ़ायदा ही फायदा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको ड्राई शीशे के जार में रखना है और एयर टाइट जार में, और प्लीज़ लेबल करके रखें ताकि पता चले क्या चीज़ है। प्लीज़ लेबल करके रखें ताकि पता चले क्या चीज़ है। तो जो इसको मैंने लेबल कर दिया, फॉर कफ कोल्ड हाफ स्पून बीटी, मतलब ट्वाइस अ डे विथ हनी। थैंक यू।